Good morning, friends. Welcome back to my new vlog. This is your host Sanya hosting in front of you. And if you are new on my channel, don't forget to subscribe me. And if you like the vlog, don't forget to hit the like button. So let's start with the vlog. तो फ्रेंड्स अभी का सीन कुछ इस तरह है कि 9 बज चुके हैं सुबह के एंड डन अवे विद ऑल द वर्क जो सुबह वाला होता है. अभी सारा काम नहीं खत्म हुआ ये ना सोचना, अभी पड़ा हुआ है काम, सारा गंद पड़ा हुआ है. पर जो सुबह वाला जो सबसे हेक्टिक वाला काम होता है कि टिफिन बनाना, ये ऑफिस का अक्षिता का, और थोड़ा बहुत जो होता है ब्रेकफास्ट अलग से बनाना, वो सब हो गया है, वो चीज हो गई है. पर उसके बाद वाला जो खिला रहा है वो अभी पड़ा हुआ है, वो अभी नहीं कुछ किया. 9 बज चुके हैं, रेस्ट कर चुकी हूं मैं, थोड़ी सी रेस्ट कर चुकी हूँ. आई डोंट नो कल से क्या हो रहा है, बॉडी एक्स बहुत ज्यादा फिर से हो रही है. आई डोंट नो मे बी इट्स ड्यू टू द वेदर चेंज और व्हाट इट इज, पर काम तो चलना ही है, करना ही है. किसने करना है मेरे घर में काम? ये कोई इंडिया तो है नहीं ना भाई, किसी को पैसे देकर बुला लो, आ जाओ कर लो. यहाँ पे भी बहुत कॉस्टली है तो खुद ही करना पड़ता है. तो द थिंग इज लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग. पहले चाय बनाई थी, पहले चाय बनाते हैं उसके बाद. चाय यार खुद ही बनानी है, क्या करूं, आप लोग होते तो बना देते पर क्या करना है. चलो चाय बनाती हूँ पहले, फिर उसके बाद काम शुरू करते हैं. लेट्स गो, चलो आओ मेरे साथ. तो फ्रेंड्स चाय बना लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं काम करना, बिकॉज काफी ज्यादा हेक्टिक होने वाला है. तो मेरे साथ बने रहिए. और मैंने सोचा मैं अपने ना चैनल पे ना शाउट आउट दिया करूंगी डेली, एक नाम लिया करूंगी जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा. व्हाट यू से, इफ यू लाइक तो बता देना मुझे. और कमेंट करना, इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और एक लाइक देना जरूर बनता है. और उस शाउट आउट में डेली मैं उस बंदा बंदे या उस बंदी का नाम लूंगी जो अच्छा सा लवली सा कमेंट छोड़ेगा, और देखते हैं कौन हमेशा विनर बनता है. लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग. तो फ्रेंड्स देखिए ये खलारा पड़ा हुआ, पहले इसको फोल्ड फुल कर दूं, उसके बाद पैकिंग स्टार्ट करते हैं. पहले ये फोल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं फोल्ड्स बना बना के रखी जा रही हूँ. अब ये रह गए, इसमें से ऑलमोस्ट फोल्ड तो है ही है, पर ये जैसे ये हैं ये सब करना है. स्वेटशर्ट्स वगैरह सब खराब हो चुकी हैं, तो पहले ये फोल्ड करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ. तो फ्रेंड्स पहले मैंने कपड़े थोड़े तय कर लिए, साथ ही साथ मैंने बोला मैं कढ़ी बना लेती हूँ, बिकॉज फिर ये ना हो ना कि मुश्किल हो जाए कि एक ही दम खाने की, क्योंकि 11 तो बज गए तय करते करते. तो मैं सोची अटैची में भी डगाना शुरू कर दूँ. फोल्ड तो मैंने कर दी है, तो साथ ही साथ मैं देखो कढ़ी बना रही हूँ, दिखाती हूँ भी थोड़ा हौच पौच हुआ वो दिखाती हूँ. पर मैं एक तरफ कढ़ी रखी है, और ऊपर से अभी सारा काम फैल गया था, सारी कढ़ी बाहर निकल गई, मैंने उसके अंदर कड़छी नहीं रखी थी, वो सब फैल गई. तो मैं जल्दी से निपटाती हूँ थोड़ा बहुत, फिर आपसे बात करती हूँ. फ्रेंड्स देखिए कितनी मस्त बनी है कढ़ी. तो भगवान जी को भोग लगाते हैं, साथ में जीरा राइस बनाया है. एक बार भगवान जी की प्लेट लगाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ. पकोड़ा देखिए फ्रेंड्स इतना फ्लफी बना है ना, इतना फ्लफी बना है कहने की बात नहीं. अभी मैं भगवान जी का भोग लगा रही हूँ. देखिए कढ़ी पत्ता मिर्चें सब कुछ है. तो एक बार भोग लगाती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ. ये देखिए फ्रेंड्स ये थाली तैयार हो गई है. जीरा राइस बनाया आज मैंने, और कढ़ी पकोड़ा बनाया है, और भगवान जी के लिए पानी. एक्चुअली हमारे घर में तीनों टाइम भोग लगता है, तो पहले भगवान जी को खाना खिलाते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. फ्रेंड्स ये मैं नीचे लेके जा रही हूँ देने के लिए, आके बताती हूँ. अभिषेक कड़ी पकोड़ा. थैंक यू. मैंने बोला अभी लंच के लिए जा रहा होगा ये. हाँ जाऊंगा. अच्छा नहीं थैंक यू. तो फ्रेंड्स बस अभी तो मैं आपको अंदर का व्यू बता नहीं सकती, तो बस ये स्टेयर्स हैं, ये लिफ्ट में टेरेस देख के आते हैं. ये ना सारा क्या है, जब ये चलने लग जाएगी ना तो ये सब उतार देंगे, तब तक ये इन्होंने कवर करके रखा हुआ है. ऐसे तो ये पूरी प्रिपेयर्ड है पर गंदी ना हो इसलिए. तो अभी हम जाते हैं टॉप फ्लोर पे, बालकनी सॉरी छत देख के आते हैं कैसी है. तो फ्रेंड्स छत का व्यू कुछ ऐसा है. अच्छा थोड़ा ध्यान से उस तरफ कैसे जाएं,
हाँ जगह नहीं है उधर जाने की, आप कर लोगी? पर कर तो लूंगी, पर ये है ना पाई पे पता नहीं किस चीज की लगी हुई है। चल वो वाली तरफ से चलते हैं, वोड़ी छत पे रूफ नंबर 8। तो फ्रेंड्स इस तरफ से चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो डर ही लग रहा है पीछे। ये तभी छोटा है, क्रॉस कर लेंगे। ये पता नहीं किस चीज की है। पानी की टंकी वाला जाना रिस्की है ना। रुक इधर, इधर आना, इधर आना, इधर से ही देख लेते हैं। बस ये है कि हवा के लिए ठीक है, बाकी व्यू तो कुछ नहीं दिख रहा। बाकी वो मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, तो ये बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। अब मुझे लग रहा है इसका रास्ता होगा, पर ये पता नहीं क्या बीच में इन्होंने डाली हुई है। मुझे लग रहा है इसमें केबलिंग ना हो या कोई करंट वाली चीज़ ना हो, तो डर ही लग रहा है। जा कर ले क्रॉस, रुक एक सेकंड, पहले मैं जाके देखूँ क्या है यार। तो छत का सीन तो बेकार ही हो गया, रिस्की था। प्लांट लगा हुआ है, वाटर प्योरीफायर, ये वो फलाना तुम नहाने का बेटा, वो पानी गर्म ना हो। हाँ चल फ्रेंड्स एक बार नीचे चलते हैं, फिर देखते हैं कौन सा फ्लोर है हमारा सेकंड। तो चलते हैं। मम्मा को तो ये भी नहीं पता है हमारा फ्लोर सेकंड है, पता है मैं बता भूल जाता उसमें क्या है। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक स्टूडियो तैयार हो रहा है। तो एक्चुअली में क्या है, ये टाइल्स टूल सब तोड़ी गई हैं, ये हमारे फ्लोर में ही है। तो ये रीफर्ब री फर्निश्ड हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए किचन सारी पड़ी हुई है, डर भी लग रहा है, दरवाज़ा खुद बंद हो रहा है। तो इसको सारा ये स्टूडियो टाइप है, ये देखिए फ्रेंड्स ये वॉश अभी सब वो हो रहा है ऊपर से। ये स्टूडियो है ना, वो स्टूडियो में कोई फायदा नहीं होता, सब कुछ एक नहीं। अब स्टूडियो में क्या होता है अक्षी, टाइल्स दूसरी डालेंगे ना ये लोग। तो स्टूडियो में क्या देखो, खिड़की ये सब वैसा ही है, पर ये स्टूडियो बेकार ही होते हैं। ये वाला दरवाजा तो अभी भी ठीक है अक्षी, हल्का है। ये सारा भी खाली किया तो वो है ड्रॉअर, सोच रही हूँ किसी का नहीं है तो अक्षी गलत बात है। किसी के पर्दों से ऐसे देखो पाँव पूछ पूछ के अपने घर में जा रहे हो, गलत बात है ना भाई।